जितने भी पैसे हैं उनको आपको 10 टुकड़ों में डाल के लगाना है। अब आप ये 2 स्टॉक ऑलरेडी ले चुके हैं तो इन्हीं 2 को क्यों लेना है, आपको 8 स्टॉक और कम से कम और अच्छे स्टॉक्स आपको ऐड करने हैं, 4-5 सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन देना है। और जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तब तो आपको उस समय ब्लू चिप में रहना है, आपका यूनिवर्स जो है वो कहीं निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के आसपास होना चाहिए। तो आई थिंक टॉप 100 स्टॉक्स में आइडियाज निकालें और रिमेनिंग 8 स्टॉक वहां लेने की कोशिश करें, बनस्पति निधि 2 को ऐड करने की। इनमें तो आपके पैसे बन रहे हैं, स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लें प्रॉफिट में, जितना आप ड्रॉडाउन्स ले सकते हैं उतने ड्रॉडाउन्स के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ जरूर निर्धारित कर लें, बाकी नए 8 स्टॉक ढूंढें निफ्टी 100 में से और उनमें पैसा डालने की कोशिश करें।